गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4 की मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसका हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 है आपका रोमन न्यूमेरल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको अपने साथ पेन और एक नोटबुक लेकर बैठना है, ठीक है, और मेरे साथ साथ उसे लिखते जाना है। तो यहाँ पे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आपके नंबर्स कौन कौन से हैं, आपको पता होगा नंबर्स क्या क्या हैं। तो हम किसी भी नंबर को इन्हीं 10 डिजिट से लिख सकते हैं। तो वो 10 डिजिट क्या है आपका? 10 डिजिट आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही आपका 10 डिजिट नंबर हो गया। 10 हम नहीं लेंगे क्योंकि 10 हमें 1 और 0 से बनता है, तो 10 हम नहीं लेंगे। आपका यही 10 डिजिट नंबर है, इसी से आप कोई भी नंबर बना सकते हो, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में नंबर्स को रोमन में किस तरह से लिखते हैं वो हमें सीखना है, रोमन में कैसे लिखेंगे वो हमें बनाना सीखना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो अपने नोटबुक पे कि आपके 10 डिजिट नंबर क्या है, तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला बॉक्स, इसमें आपका रोमन न्यूमरल्स दिया है और नीचे आपकी वैल्यू दी हुई है। आपको इतने ही वैल्यू याद करनी है, ठीक है, आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा ये रोमन न्यूमरल्स और याद करनी है, कुछ वैल्यू की रोमन न्यूमरल्स आपको याद करनी है, और कुछ रूल्स आपको पढ़ने हैं, वो रूल आपको ध्यान रखने हैं, वो भी रटने नहीं है, वो बस ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। तो आपको आ जाएगा रोमन नंबर लिखने। तो हम यहाँ पे सीखते हैं हम 1 को किस तरह से लिखते हैं। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को हम किस तरह से लिखते हैं, 5 को हम किस तरह से लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं। 10 को हम किस तरह से लिखेंगे, 10 को हम इस तरह से लिखेंगे। 50 को हम किस तरह से लिखेंगे, 50 को हम L लिखेंगे। 100 को हम क्या लिखेंगे, 100 को हम C लिखेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ या इस बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे देख लो। 1 को हम ऐसे लिख रहे हैं, 5 को ऐसे लिखेंगे, 10 को ऐसे लिखेंगे, 50 को ऐसे लिखेंगे, 100 को ऐसे लिखेंगे, 500 को इस तरह से लिखेंगे, 1000 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू बस ध्यान रखनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। अब आपका फर्स्ट रूल क्या है उसे ज़रा हम पढ़ लेते हैं। आपका फर्स्ट रूल क्या है, आपका फर्स्ट रूल है यहाँ पर, जब कोई रोमन न्यूमरल्स रिपीट होते हैं तो उनका सम व नंबर होता है। जब कोई रोमन न्यूमरल्स रिपीट होते हैं तो उनका सम व नंबर होता है। जैसे यहाँ पे दी हुई है, अगर अभी आपको मैंने बताया ये क्या होता है, 1 होता है, इसको मैंने रिपीट कर दिया, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई नंबर रोमन नंबर रिपीट होते हैं तो उनका सम वो नंबर हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है, इस इनके सम से हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो इनका सम हम करेंगे तो 1 + 1 हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। हम और सीखते हैं। अगर मैंने लिख दिया ये क्या होता है, 10 होता है, यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ था, आप ध्यान रखोगे 10 होता है। इसको मैंने रिपीट कर दिया, फिर से रिपीट कर दिया, तो इनके सम से हमें वो नंबर मिलता है। तो हम इनका सम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10, फिर इसका ये क्या हो जाएगा, +10, फिर ये क्या हो जाएगा, +10, तो क्या मिल गया हमें, 30, ठीक है। तो ये होता है, ये फर्स्ट रूल आपका है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ए में है आपका, नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। कह रहा है कि कोई भी रोमन नंबर
तीन से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा बार हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको वन आता है कैसे लिखना, अभी हमने सिखाया है आपको ऐसे, अगर मैंने इसे थ्री टाइम्स लिखा है तो ये सही है, लेकिन इसे अगर हमने एक बार और लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने आपको टेन लिखना सिखाया, टेन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको मैंने दो बार लिखा ठीक है, तीन बार लिखा तो भी सही है, अगर इसको हमने थ्री टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपके नोट्स में यही है। सेकंड आपका नोट्स में है, सेकंड में है फाइव, इसे फाइव बोलते हैं, एल 50 और ये है आपका 500। इसे हम दूसरी तीसरी बार कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, इसे हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। इसे हम दूसरी बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसे भी नहीं करेंगे और इसे भी नहीं करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड रूल है, जब कोई रोमन न्यूमरल किसी दूसरे बड़े वैल्यू के बाद हो तो उनके सम से हमें वो नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई रोमन न्यूमरल किसी दूसरे बड़े वैल्यू के बाद हो तो उनके सम से हमें वो नंबर मिलता है। जैसे मैंने नंबर ये ले लिया, ये क्या होता है, फाइव है, और ये क्या है, वन है, तो ये फाइव बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, और ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पे रूल में है कि जब कोई रोमन न्यूमरल किसी बड़े वैल्यू के बाद आया हो तो उनके सम से हमें वो नंबर मिलता है, ठीक है। तो हम इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 + 1 क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, ठीक है। आपका सेकंड रूल यही कहता है। फिर नेक्स्ट है, एक और बता देती हूँ आपको एग्जांपल। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया तो ये क्या होता है, 10 होता है, ये क्या होता है, 10 होता है, और ये क्या होता है, 5 होता है। तो ये 10 और 10 ये तो ग्रेटर वैल्यू हो गई, इसके बाद हमें ये छोटी वैल्यू मिली। तो हमने क्या सीखा था रूल में, कि जब कोई रोमन नंबर किसी बड़े वैल्यू के बाद आए तो उनके सम से हमें वो नंबर मिलेगा। तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 5 क्या आ जाएगा हमारा, 25, ठीक है। सीख गए आप ये वाला रूल भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 कहता है, जब कोई रोमन न्यूमरल्स किसी दूसरे बड़े वैल्यू के पहले हो, किसी दूसरे बड़े वैल्यू से पहले हो तो उनके डिफरेंस से हमें वो नंबर मिलता है। इसका मतलब अगर मैंने ये लिखा तो ये क्या होता है, 5 होता है, इसके पहले ये मैंने क्या लिखा, ये 1 हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जब कोई बड़ी वैल्यू के पहले कोई रोमन न्यूमरल लिखी हो, इस रूल में यही है कि जब कोई रोमन न्यूमरल किसी बड़ी वैल्यू के पहले हो तो उनके डिफरेंस से हमें वो नंबर मिलता है। डिफरेंस मींस उनके सब्ट्रैक्ट करने से हमें वो नंबर मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उन्हें घटाना है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू क्या है आपका, 5 है, छोटी वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रूल भी आपका कंप्लीट होता है, इसे आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। लास्ट रूल आपका कह रहा है, जब कोई छोटी रोमन न्यूमरल किसी दो अन्य बड़े वैल्यू के बीच हो तो बड़े वैल्यू को ऐड करके छोटी वैल्यू को घटा देना है, तो ऐसा करने से हमें वो नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो हम इन्हें आइए समझते हैं,
ये आपका नेक्स्ट पेज पे है, इसे समझना है आपको, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी, जब कोई बड़ी वैल्यू के बीच में कोई छोटी वैल्यू हो, जब दो बड़ी वैल्यू के बीच में छोटी वैल्यू आ जाए तो बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बड़ी वैल्यू को कैसे ऐड करेंगे, ये 7 नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, ठीक है। और उसके बाद उसमें से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, 10 प्लस 5 क्या होता है 15, माइनस का 1 क्या आ जाएगा 14, ठीक है। इस तरह से हम ये वाला रूल भी सीख गए। आइए एक और मैं आपको बताऊं, अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये आपको पता है ये क्या है, ये होता है 50, ये क्या है 5, ये क्या है 1, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू बड़ी है इस छोटी वैल्यू से, ये बीच वाली वैल्यू जो है छोटी है इन दोनों वैल्यू से, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे हम, ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 5, और ये छोटी वैल्यू वैल्यू क्या करनी है हमें, माइनस कर देनी है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो क्या मिलेगा हमें 50 प्लस 5 क्या होगा 55, माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 54, ओके। तो आप ये वाला रूल भी सीख गए। अब आपको दो बातें और ध्यान में रखनी है कि रोमन नंबर का कभी भी हम प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नहीं लिखते हैं रोमन नंबर को, ठीक है। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है कि ज़ीरो के लिए कोई भी रोमन नंबर नहीं होता है, ज़ीरो के लिए रोमन नंबर हम नहीं लिखते हैं। हम रोमन नंबर कहाँ से लिखते हैं, तो रोमन नंबर हम 1 से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे ये चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपकी 1 से लेके 100 तक की वैल्यू दी हुई है। आपको इन्हें बस एक बार देख लेना है, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से आ जाएगा, आपको ये रटना नहीं है, ठीक है। आपने जो रूल सीखे आप उसी से इसे सॉल्व करना सीख जाओगे। तो हम इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट इन रोमन नोटेशन, रोमन नोटेशन में लिखना है। ये आपका नंबर में लिखा हुआ है, आपको इसे रोमन में लिखना है। तो क्या दिया हुआ है, 10, 10 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 20 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 30 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। 40 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 50 माइनस का 10 क्या आ जाएगा 40, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था रूल में कि किसी भी रोमन नंबर को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपको आगे भी सॉल्व कर लेना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट इन रोमन नोटेशन, ये भी आपको रोमन में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 50 to 60, 50 से आपको 60 तक के बीच में जो भी आता है उन सब का रोमन नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 51 52 53 एंड सो ऑन, इसी तरह से आपको 60 तक पूरा जाना है और उसके बाद आपको वैल्यू लिखनी है। तो 51 के लिए क्या लिखोगे आप, L1, 52 के लिए आप क्या लिखोगे, L11 क्या हो जाएगा 252, इस तरह से 53 का भी आप लिख लोगे। तो इस तरह से आपको B भी बना लेना है और C भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको राइट इन हिंदू अरबिक नोटेशन, हिंदू अरबिक नोटेशन मीन्स नंबर्स में लिखना है आपको। ये रोमन में दिया हुआ है, आपको इन्हें नंबर में लिखना है। तो मैं एक बता देती हूँ आपको, पहले आपका ये लिखा हुआ है,
ये क्या हो जाएगा? आपको अभी मैंने पढ़ाया है, जब कोई रोमन नंबर्स लिखे हों तो उन्हें क्या करेंगे, हम ऐड करके लिखेंगे। ये क्या हो गया, रिपीट हो रहे हैं ना ये नंबर, तो हम इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 10, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस, ये क्या है आपका, ये भी आपकी बड़ी वैल्यू है, इसके बाद दो छोटी छोटी वैल्यू, तीन छोटी वैल्यू आ रही। तो हमने क्या बताया था रूल नंबर सेकंड में, कि जब कोई बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू आती है तो हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 हो गया प्लस ये क्या है 1, 2, 3 प्लस का 3, तो ये हमें क्या मिल जाएगा इससे 28। इसी तरह से आपको काउंट कर करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसे एक बार और शुरू से स्टार्ट से देख लो, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है, ये लिखा हुआ है बीच में फिल करना है और ऐसे लिखा हुआ है। तो इसे आपको पता है इसे क्या कहते हैं, 50, और ये है क्या आपका 10। तो जब कोई बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू आती है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये है 50 और प्लस ये है क्या 10, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसे हमें मिलेगा 60, ठीक है। अब बताओ ये देखो, इधर ये क्या है 10, ये क्या है 50, तो बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू आ रही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस का 10, क्या मिलेगा हमें 40। अब बताओ आप इसमें से कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, या फिर ये दोनों इक्वल है? तो आपको पता है 60 ग्रेटर देन 40 है, तो इस तरह से साइन लगाएंगे और ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे भी बना लेने हैं, क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका वही है जो मैंने अभी आपको बताया, दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेना है और उसके बाद देखना है कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है या छोटी है या इक्वल है, वो साइन उसके बाद ये वाला लगा लेना है। 6 में आपका क्या करना है, 6 में भी आपको ऐड करना है, उसके बाद ये रोमन में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ऐड करके आप रोमन में ही लिखोगे, नंबर में आपको नहीं लिखना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक 6 का ए आपका लिखा है ये प्लस ये, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, तो ये क्या हो गया 10 और ये क्या है 10, रिपीट हो रहे हैं, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20 प्लस ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं, क्या लिखेंगे 2, क्या आ गया हमारा 22। अब हम इसे कैसे लिखते हैं 22 को रोमन में, पहले हम 20 लिखेंगे और फिर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे रोमन में मिल गया ये नंबर। इस तरह से आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा देती हूँ इससे, ये वाला क्वेश्चन नंबर के, इसमें ये है, इसमें क्या आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वल टू एलेक्स हो जाए, ठीक है। इसमें क्या आप सब्ट्रैक्ट करोगे कि एलेक्स हो जाए, तो ये आपको पता होगा ये क्या है, ये क्या है 50 प्लस ये क्या है आपका 10 प्लस ये क्या है आपका 4, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 50 प्लस 10 60 प्लस 4 क्या आया 60 आ गया, ठीक है 64 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया 50 प्लस 10 क्या आ गया 60। तो आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट मैं करूँ इसमें कि मुझे 60 मिल जाए, 64 में ऐसा क्या घटाऊँ मैं कि मुझे 60 मिल जाए, तो मुझे क्या घटाना होगा 4। तो 4 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, 4 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, तो 4 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आगे भी बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपका है असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको आता होगा असेंडिंग में, पहले इसे ये रोमन में है, आपको इसे नंबर में लिख लेना है, उसके बाद असेंडिंग में इसे लिख लोगे, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। डिसेंडिंग भी आपको आता होगा,
डिसेंडिंग मीन्स पहले बड़ी वैल्यू उसके बाद फिर छोटी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से आप बना लोगे। और नाइन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, तो आपको मैंने पढ़ाया है रूल्स, आप उससे रूल को देख के इसे बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, और नहीं होगा तो मैं इसे सॉल्व करा दूँगी। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।